अभी गवर्नमेंट या के संज्ञान में ये बातें आई कि लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या अच्छी होर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट मशीनरी को एक्टिवेट किया और फिर उन्होंने हेल्पलाइन जारी की कि आप हमें बताइए कहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और साथ ही उसको जो भी सप्लाईज थी उनको अपने हाथ में लिया और जनता के लिए डोर टू डोर सर्विस की भी कोशिश की गई है आज की डेट में ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए, कि आप अगर हमारे पास रिक्वेस्ट देते हैं तो आपके घर तक सिलेंडर या दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। Law has taught me one thing, how to take two situations that are exactly the same and show how they are different. Hello and welcome to Rabai Rashi Foundation. Hamara initiative rule book in association with Initiative Sahayak, a helpful movement by legal advisor Suraj Prakash Ojha. Suraj has counseled many briefings in the High Court and the Supreme Court. Is initiative mein पैंडेमिक में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई है उनके बारे में सूरज जी हमें गाइड करेंगे। सूरज हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट हेड ITNSM फॉर भारतीय जनता युवा मोर्चा गुरुग्राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरज। आपको पता है कोविड में बहुत से मेडिकल इश्यूज अराइज हो गए हैं। आप मुझे बताओ, what is the code of medical ethics 2002 as per the Indian law? सच्चाई तो ये है कि समाज में ना हर व्यक्ति को कुछ बेसिक लॉ और कानून की जानकारी होनी चाहिए, परंतु आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि डॉक्टरों को उससे भी ज्यादा जरूरी है कानून को समझना। क्योंकि जैसे कि हमें समझ में आता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं, परंतु भगवान से भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती छोटी मोटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आक्रोशित होके कई बार डॉक्टरों को मारना या एक बुरा बर्ताव करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि हम इससे कैसे निपटें। तो उसके लिए क्या है कि हमारे संसद ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर एक कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स बनाया 2002 में, जिसमें कि उसमें डॉक्टरों के लिए और जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए कुछ चीजें लिखी गई, जैसा कि कर्तव्य जिम्मेदारी कि उनके प्रति क्या है आम जनता के लिए और एक दूसरे साथियों के लिए भी। दूसरा है कि उसमें क्या अनैतिक कार्य हैं जो उनको नहीं करने हैं, और तीसरा है अनुचित आचरण जो उनको नहीं करना चाहिए कभी भी, और फिर चौथा आता है जो इन सब करने के बाद कि सजा या कोई अनुशासनिक कार्यवाही के खिलाफ आप इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं, और पांचवा होता है सर्टिफिकेट का परफॉर्मर जो उनको ड्यूटी बाउंड सर्टिफिकेट्स होते हैं डे टू डे और एक उनके कार्य के ऊपर उनको मिलते रहते हैं। तो इस एथिक्स में क्या होता है कि उसमें कहा जाता है डॉक्टर्स को, पहली चीज कि आप किसी भी मरीज को मना नहीं करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। उसके अलावा डॉक्टरों को चॉइस दी जाती है कि आप किस मरीज को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, क्योंकि कई बार होता है उनके पास ऐसे मरीज आ जाते हैं जो उनके क्षेत्र से बाहर के हैं, तो उनको वो लोग मना भी कर सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और कई ऐसे लॉ कहते हैं कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी के केस में आपके पास आता है तो आप उसको प्रारंभिक चिकित्सा जरूर देंगे, उसके बाद आप उसको कहीं और भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें एथिक्स में आती हैं और मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर इनको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जो सबके सामने आती है, तो कोर्ट उसको समय समय पर विभिन्न केसेस के द्वारा उसको सही करता रहता है। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है सूरज, लेकिन अभी जैसे इतनी शिकायतें आ रही हैं, काफी हॉस्पिटल्स में भी जो नेग्लिजेंस हो रहा है ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भी हम अभी सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में लॉ क्या बोलता है और उसकी पनिशमेंट्स और रेमिडीज क्या है, ये बताइए। मेडिकल नेग्लिजेंस जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ एक्ट 1956 के अंडरगत आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेडिकल काउंसिल का काम यही है, डॉक्टर लोग जो भी चिकित्सा दे रहे हैं उसकी देखरेख करना, उनका जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल है वो उनके सारे मानकों को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको देखना। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई मरीज आया, तो उसमें क्या होता है कि 100 में से कई बार हम सबको नहीं बचा सकते।
अब वो चीज नेग्लिजेंस है या नहीं है उसका भी फैसला भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उसमें क्या होता है कि जो भी पीड़ित लोग होते हैं वो उनके पास जाते हैं, वो रिपोर्ट रखते हैं, फिर ये लोग अपना चेक करते हैं टेक्निकल पॉइंट पे कि उस मरीज के साथ नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है। सेम उन लोगों के पास अगर जैसे मान लो इनसे संतुष्ट नहीं है मेडिकल काउंसिल से, तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं कंज्यूमर एक्ट के तहत। ये आपने बहुत अच्छा बताया सूरज जी। आप मुझे बताओ इसके लिए कोई कंज्यूमर फोरम बना होता है मेडिकल के लिए? मेडिकल कंज्यूमर्स के लिए अलग कोई फॉर्म नहीं है, जो कंज्यूमर फोरम सबके लिए है ये उसी में ही आता है, क्योंकि कोर्ट के कुछ डिसीजन है जिसमें उन्होंने कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास सर्विस लेने जाता है तो उसको एज ए सर्विस मान के उनको कंज्यूमर माना गया है। तो वो जितने भी हमारे नेशनल कंज्यूमर फोरम है, स्टेट कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो जा सकते हैं। सूरज आप हमें बताओ, जैसे अभी इमरजेंसी की सिचुएशन इंडिया में है, नाउ क्या एक फिजिशियन की ड्यूटी पेशेंट्स की तरफ लॉ के हिसाब से कौन कौन सी है? हमें पता है कि गुरुग्राम गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा सहायक बनी हुई है, क्योंकि जैसी हम स्टोरीज बाहर पढ़ रहे वैसा हमने गुड़गांव में तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है। कि जो इमरजेंसी में ड्यूटी होती है वो किसी भी समय एक ही होती है कि पहले जो भी मरीज आया है उसको चिकित्सा दे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और कई लॉ ऐसे भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, कहीं मिस हैपनिंग हो गई, तो जो व्यक्ति उसको लेके गया है उसको ना पुलिस परेशान कर सकती है ना प्रशासन परेशान कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पहली जो प्रायोरिटी होती है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की या डॉक्टर की वो ये होती है कि हमें मरीजों को बचाना है। उसमें क्या होता है जैसे कि अभी मान लीजिए कोविड का समय आया है, तो इसमें एकदम से अब क्या कहें कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे इतना लोड आ गया है कि गवर्नमेंट की हर बॉडीज को इसमें मदद के लिए उतरना पड़ा है, जैसे कि आर्मी और स्टेट मशीनरी, हम जहां भी जिसकी हेल्प होती है गवर्नमेंट वहां हेल्प ले रही है। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जैसे पहले ऑक्सीजन की कमी आई या मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी आई तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रोक्योर किया। इसमें कई प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, आरडब्ल्यूए, कई संस्थाएं आगे आई, उन्होंने कहा कि आप हमें सिलेंडर भरवा के दीजिए, हम जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एक हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं, 100 ICU बेड, उसमें क्या हुआ कि कई ऐसी धार्मिक संस्था भी आगे आई, उन्होंने कहा कि हमारे पास लैंड पड़ी है आप वहां पे फटाफट बेड बनाइए, वहां पे 100,000 बेड ऐसे हर जगह बनने शुरू हो गए। तो उसमें क्या है कि जनता जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है ताकि हम अपने साथियों की मदद कर सकें, किसी को किसी भी तरह की परेशानी जरा सी भी ना हो। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, सबके सहयोग से ही हम सहायक बने रहेंगे। आई थिंक दिस इज टोटली वंडरफुल सूरज। सूरज आप देख रहे होंगे और आप भी सुन ही रहे होंगे, बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हमें हमारे एनजीओ में आती हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे ही ये कोविड आया सिलेंडर्स को होर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ट्रिपल रेट पे लोगों को देना, मेडिसिन देना स्टार्ट कर लिया। इन सब की लॉ के हिसाब से पनिशमेंट कौन सी है, आप इसके बारे में जरूर सबको बताइए। होता क्या है, कानून तो हमेशा से होते हैं किसी भी चीज की बुराई को रोकने के लिए, परंतु हुआ क्या इस सेकेंड वेव कोरोना में, जब ये पैंडेमिक एकदम से स्टार्ट हुआ तो उस समय शुरुआती तौर पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50,000 या 60,000 के मिलते थे या कोई उनको पूछता नहीं था, उसकी कीमत 1.5 लाख तक पहुंची। ऐसे ही ऑक्सीमीटर जो इस समय हर घर की जरूरत है उसका MRP 3 से 4 गुना करके बेचा गया, जरूरी दवाइयों को ब्लैक मार्केट किया गया, और ऐसे ही हर चीज की क्या कहें दवाइयां, ग्लव्स, मास्क, हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम इलीगल होर्डिंग करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इसमें कई ऐसे लॉ हैं जैसे कि प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एक्ट। इसमें एजेंसी क्या करती है कि अगर उनको कहीं कंप्लेंट मिलती है तो वो वहां पे जाके रेड करती है, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है और उन पीपल को अरेस्ट करके उनके खिलाफ केस भी चलाती है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट इसमें स्टॉक को लिमिट कर देती है, जैसे कि अभी महामारी इस समय चली रही है तो उन्होंने क्या किया है, इसको अपने अंडर ले लिया, ऑक्सीजन की सप्लाई, इंजेक्शन, जैसे रेमडेसिविर था स्टार्टिंग में आपने सुना होगा इससे डुप्लीकेट बहुत आ गए, प्राइस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए एक आम इंसान खरीद सकता, उसके अभाव में कई लोगों की मृत्यु भी हुई और नकली आने के काफी ज्यादा चांसेस हो गए। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको अपने चैनल के थ्रू देना शुरू किया, तो उससे क्या होता है लोगों को थोड़ा
थोड़ा इसमें शुरू हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें 7 साल की सजा भी है, फाइन है, हम अभी गवर्नमेंट या के संज्ञान में ये बातें आई कि लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या इसकी होर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट मशीनरी को एक्टिवेट किया और फिर उन्होंने हेल्पलाइन जारी की कि आप हमें बताइए कहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और साथ ही उसको जो भी सप्लाईज थी उनको अपने हाथ में लिया और जनता के लिए डोर टू डोर सर्विस की भी कोशिश की गई है आज की डेट में, ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए, कि आप अगर हमारे पास रिक्वेस्ट देते हैं तो आपके घर तक सिलेंडर या दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। या एंड दैट इज व्हाट सहायक इज ऑल अबाउट। सूरज, आपने देखा कोविड के समय बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे दोनों पेरेंट्स नहीं रहे, सो यंग कपल्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, ऑल ऑफ अ सडन बहुत से छोटे बच्चे ऑर्फन हो गए हैं एंड ऑर्फनेजेस उनको लेने की कर रहे हैं या लोग डायरेक्टली अडॉप्शन का सोच रहे हैं। हमारा इंडियन लॉ अडॉप्शन केयर टेकर्स के लिए क्या है, ये आप बताइए सबको। यही कहूंगा कि इस COVID-19 के इस दुखद समय में कई परिवार तबाह हुए और कई बच्चे अनाथ हुए, ये हम सबके लिए एक बहुत ही पीड़ा और दुख का क्या कहें समय है। हमारे पास कई ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि कुछ लोगों के माता पिता दोनों नहीं रहे और उन बच्चे को कोई गोद ले ले, तो मैंने उन सबको ग्रुप्स में यही सजेस्ट किया कि आप इसको एक प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कई बार बाद में कुछ कानूनी अड़चने भी आ सकती हैं। तो हमने यही सोचा कि कई, और इसमें क्या हुआ है, कुछ गवर्नमेंट के जैसे संज्ञान में ये बातें आई, होता क्या है इनिशियली कुछ एनजीओ आगे आते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर गवर्नमेंट से तक ही बात जाती है। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है अभी फिलहाल। उसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चों की सूचना आती है आप हमें बताएं, हम उन बच्चों को किसी एनजीओ में, RWA, किसी ऐसे केयर टेकर के पास भेजेंगे थोड़े समय के लिए, ताकि उसकी फिलहाल देखभाल हो सके, बाद में उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू हम चाहेंगे किसी अच्छे घर बार में वो जा सके जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। हम अपने सारे कनेक्शंस को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको किसी ऐसे बच्चे की इंफॉर्मेशन है जिसको इमीडिएट सहारे की जरूरत है, तो प्लीज गेट इन टच विद सूरज जी। सूरज जी का और हेल्पलाइन नंबर हमने इस पोस्ट में, इस वीडियो में भी डाला है, प्लीज टॉक टू हिम एंड टेक अ लीगल एडवाइस। सूरज, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी होती है, अब ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स नहीं रहे या साइनिंग अथॉरिटीज चले गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड अचानक से हुआ, कई लोगों ने आधे पैसे दिए होते हैं प्रॉपर्टी में और उसमें उन फैमिलीज में यंग बच्चे रह जाते हैं, उन बच्चों को क्या आपका मैसेज है? वो आपको कांटेक्ट तो जरूर करें, लेकिन लॉ क्या बताता है आप ये बताइए। तो इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है या कोई इंश्योरेंस है, लोन है, इसके लिए आप लोग पहले जो परिवार अफेक्टेड हुए हैं वो अपने आसपास की फैमिली से पूछें, अगर उनको लगता है वहां उनसे कोई मदद नहीं मिलती है तो वो हमारे इस नंबर से बात कर सकते हैं, हमारे पास टीम है, वो उनकी पूरी मदद करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे मान लें कि अगर ये मैटर ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, क्योंकि इस बार काफी लोगों को हुआ है, तो क्या पता सरकार भी आने वाले समय में कोई कानून या कोई विधेयक पास करे इसके रिगार्डिंग, उसके लिए हम यही कहेंगे कि आप इसका पूरा कानून के लिए आंख कान खुले रखें, जब भी जो भी दिक्कत आए आप तुरंत संपर्क करें, और कोई भी अगर आपको एजेंसी परेशान करती है, बैंक परेशान करता है लोन के लिए, तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं और हमसे सहायता भी ले सकते हैं। दिस इज टोटली वंडरफुल एंड हम उन सभी यंगस्टर्स को जिनको शायद नॉलेज भी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट्स की, बिकॉज सब परिवारों में सब कुछ बहुत ओपनली नहीं डिस्कस होता है, और अगर आप कहीं स्टकअप हो गए हैं तो सूरज जी जो अपना इनिशिएटिव चला रहे हैं सहायक हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, आप प्लीज उनसे, उनके टच में आइए एंड उनसे बात करिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। अगर आपका रेरा का कुछ काम है तो वो आपको एटलीस्ट कनेक्ट तो करा देंगे वहां पे। And that's totally thankful of Suraj to even come forward and speak like this. जिन families में दुखद घटनाएं हो गई हैं, जिनके यहाँ deaths हो गई हैं या जिनके बहुत से कागजी काम रह गए हैं, तो वो
उनकी मदद आप कैसे कर सकते हो, सहायक बनके, आप ये जरूर बताइए। बारे में तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि आज के दिन हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने कई सारी ऐसे पोर्टल लॉन्च किए हैं कि जिसमें आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारे ऑनलाइन मिलते हैं। परंतु अगर किसी को भी इन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसमें उसकी पूरी मदद करेंगे। और जो भी अगर ऑफिस भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए पूरा सहायक बनेंगे उनके लिए। समय मुश्किल है, टफ है, सूरज आपकी तरफ से उन सभी पीड़ित लोगों के लिए या जो सिर्फ मेंटली स्ट्रेस्ड भी है उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, आप प्लीज सबको बताइए। सभी साथियों से, बंधुजनों से यही कहना चाहूंगा, ये राही ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया, यह मुश्किल का समय है, धीरे धीरे ये भी गुजर जाएगा। एक बार फिर हम लोग खुली हवा में सांस लेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, सारी चीजें खुलेंगी, परंतु थोड़ा समय लगेगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद उससे उभर ना पाए, तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों को अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं, उनका साथ दें। और हाँ, जिनको किसी भी कानूनी चीज में दिक्कत आ रही है, इंश्योरेंस में, लोन में, सर्टिफिकेट में, ऑब्टेन करने में, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन सबके साथ, थोड़ा समय लगेगा, उनको थोड़ा धैर्य रखना है, परंतु वो उन सबकी मदद करेंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। True public safety requires a collaboration between law enforcement and the community. हम अपने सारे connections को ये request करेंगे, please get in touch with Suraj. अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है, he is a true सहायक for you. ये आगे last तक बढ़कर आपके सारे government के काम कराएंगे अगर आपको वाकई में जरूरत है. And this service is totally free of cost. So please get in touch with Suraj Prakash Ojha, Sahayak, Initiative Sahayak in association with the Initiative Rulebook. Suraj, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो सच में आज के दिन पे इन लोगों की मदद के काम आएगा।